अभी एक क्वेश्चन है, आरओसी वक्र क्या होता है और इसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन करें। आरओसी वक्र, और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा याद रखिएगा, और कई सारे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं। जब प्रयोगकर्ता आंसर आइए और देखते हैं इसका, जब प्रयोगकर्ता इस बात का निर्णय कर लेता है कि सिर्फ उसे अनुमान की अनुक्रिया तथा गलत अलार्म की अनुक्रिया का विश्लेषण करना है, तो प्रायोज्य के निर्णय को विभिन्न प्रयासों का एक समूह या ब्लॉक बनाकर प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह समूह 100 प्रयासों का हो सकता है, 150 प्रयासों का भी हो सकता है, या फिर मात्र 50 प्रयासों का भी हो सकता है। किसी एक ब्लॉक या समूह में ऐसा हो सकता है कि संकेत मात्र 10% प्रयास में उपस्थित हो, जबकि अन्य ब्लॉक समूह में संकेत 50 या 70% या 90% प्रयासों में उपस्थित हो। मनोदैहिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञों ने इन भिन्न भिन्न ब्लॉकों का सही अनुमान की अनुक्रिया के अनुपात तथा गलत अलार्म की अनुक्रिया के अनुपात को आरेख के एक विशेष वक्र रेखा द्वारा दिखलाया है। इस तरह का वक्र जो इन दोनों के अनुपात के संबंधों को दिखलाता है, उसे रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक वक्र यानी आरओसी कर्व कहा जाता है। रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र, आरओसी वक्र के विशेष आकार को चित्र संख्या में दिखाया गया है। सामान्य उद्दीपक या संकेत के लिए खास स्तर पर जब कुछ प्रयासों में उद्दीपक दिया जाता है, तब कुछ प्रयासों में नहीं, तो आरओसी वक्र द्वारा प्रायोज्य में होने वाले क्रियात्मक गुणों का वर्णन होता है। ऐसे आरओसी वक्र की कुछ खास विशेषताएं होती है, जिस पर ध्यान देने से वक्र रेखा का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। और इन विशेषताओं का जो वर्णन है वो निम्नलिखित है। पहला है आलेख, आरेख की सीधी तिरछी रेखा तथा शून्य संवेदनशीलता का संकेत मिलता है। इस रेखा द्वारा यह पता चलता है कि प्रायोज्य उद्दीपक संकेत को पहचान नहीं पाता है। इस प्रकार सीधी रेखा उस समय भी प्राप्त हो सकता है जब संकेत दहलीज के नीचे होता है। यदि अंधा आदमी रोशनी की तीव्रता का निर्णय कर रहा है या बहरा आदमी ध्वनि की तीव्रता का निर्णय कर रहा है, अतः आरेख की सीधी तिरछी रेखा द्वारा यह पता चलता है। उद्दीपक या संकेत व्यक्ति को नहीं पहचान कर रहा है, अतः निर्णय सिर्फ एक अंदाज पर आधारित करके दे रहा है। फलस्वरूप सही अनुमान में अनुपात तथा गलत अलार्म के अनुपात बराबर हो जाता है। सीधी तिरछी रेखा के ऊपर अर्थात बाईं ओर वक्र रेखाओं द्वारा संकेत की तीव्रता में वृद्धि और उसके फलस्वरूप उसे पहचान करने की अनुक्रिया के अनुपात में भी वृद्धि का पता चलता है। वक्र जितना ही धनुषाकार होता है, प्रायोज्य में संवेदनशीलता उतनी अधिक होती है। दूसरे शब्दों में वक्र में धनुषाकार जितना अधिक होगा, सही अनुमान का अनुपात गलत अलार्म के अनुपात से अधिक होगा। जैसे जैसे वक्र धनुष की आकृति में होता जाता है, उसके अंदर का कुल क्षेत्र बढ़ता जाता है, जिसे डी कहा जाता है। डी एक संख्यांकीय मान है जो व्यक्ति तथा प्रायोज्य की संवेदनशीलता को दिखलाता है। डी का मान जितना अधिक होगा, व्यक्ति की संवेदनशीलता उतनी अधिक होगी। चौथा है, जब प्रयासों का किसी ब्लॉक में संकेत की उपस्थिति का 1% कम होता है, तो वैसी अवस्था में सही अनुमान की अनुक्रिया तथा गलत अलार्म की अनुक्रिया दोनों ही कम होते हैं, परंतु सही अनुमान अनुक्रिया का अनुपात गलत अलार्म के अनुपात की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरी तरफ जब प्रयासों का किसी ब्लॉक में संकेत की उपस्थिति का
प्रतिशत अधिक होता है तो वैसी अवस्था में सही अनुमान की अनुक्रिया तथा गलत अलार्म की अनुक्रिया दोनों ही अधिक होते हैं, परंतु सही अनुमान का अनुपात गलत अलार्म के अनुपात की अपेक्षा कम होता है। शायद यही कारण है कि वक्र धनुषाकार हो जाता है। आरोसी वक्र द्वारा संकेत के किसी एक ही तीव्रता स्तर पर प्रयोज्य द्वारा किए गए अनुक्रिया के पैटर्न का पता चलता है। जब तीव्र उद्दीपक या संकेत दिया जाएगा तो प्रयासों के भिन्न भिन्न ब्लॉक को मिलाती हुई बनी आरोसी काफी धनुषाकार होता है। जब सीमा उद्दीपक या संकेत दिया जाएगा तो आरोसी का सीधा वक्र के नज़दीक हो जाता है। तो ये था हमारा आरोसी वक्र की विशेषता, और उम्मीद है कि आपको कई सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आई हुई होगी।